दोस्तों ये है बेगूसराय जो कि बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में से एक ऐतिहासिक और लोकप्रिय जिला है। बेगूसराय बिहार का इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यह जिला बिहार के मिथिला क्षेत्र में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो अपनी सीमाएं खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर, मुंगेर और बिहार की राजधानी पटना से साझा करता है। इस शहर का प्रशासनिक मुख्यालय बेगूसराय शहर में मौजूद है, जो सन 1870 में मुंगेर जिले के उपखंड के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के महान हिंदी कवि रामाधारी सिंह दिनकर जैसे कई महापुरुषों का जन्म भी बिहार के बेगूसराय जिले में ही हुआ था। अगर आपको दोस्तों बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज़्यादातर BR09 नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप बेगूसराय जिले में दाखिल हो चुके हैं। यह जिला वर्तमान समय में तकरीबन 1918 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है, जहां की ज़्यादातर आबादी खेती करके अपना जीवन यापन करती है। वहीं साल 2011 में हुए जनगणना के आधार पर बेगूसराय जिले की आबादी 33 लाख से भी अधिक है। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 896 महिलाएं पाई जाती हैं। इस जिले की साक्षरता दर 76.48% की है, जिससे कि ये पता चलता है कि बेगूसराय की ज़्यादातर आबादी पढ़ी लिखी है। बेगूसराय जिले का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ के यातायात सुविधाओं के बारे में, तो बेगूसराय बिहार और देश के दूसरे भागों से सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं बेगूसराय से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर उल्लाव में एक छोटा हवाई अड्डा भी है, जहां नगर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन किया जाता है। इस शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बेगूसराय रेलवे स्टेशन है, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर में आता है। यहाँ से दिल्ली, गुवाहाटी, अमृतसर, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर आदि जगहों के लिए ट्रेनें खुलती हैं। बेगूसराय जिले का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 2 अक्टूबर 1972 में बेगूसराय को एक स्वतंत्र जिला के रूप में सामने आया। इससे पहले 1870 में बेगूसराय को मुंगेर जिले का एक अनुमंडल के रूप में स्थापित किया गया था। बेगूसराय के नामकरण के पीछे भी काफ़ी रोचक कहानी छुपी है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर भागलपुर की बेगम हमेशा आया करती थी और उन्हें ये जगह इतना भा गया था कि प्रत्येक वर्ष वो यहाँ आकर रुकती थी, तथा बेगम के हर वर्ष यहाँ आने और रुकने की वजह से यहाँ का नाम बेगूसराय हो गया, जो कि अपभ्रंश बनकर अब वर्तमान समय में बेगूसराय के नाम से जाना जाता है। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बेगूसराय जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर आप कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, जयमंगलगढ़ टेंपल, नौलखा टेंपल, बेगूसराय म्यूजियम और यहाँ के अजात शत्रु किले की सैर कर सकते हैं।